जिला कटनी, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में दलाल बहुत ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। हर योजनाओं की जानकारी दलालों को पहले ही मालूम हो जाती है। हितग्राही मूलक योजना में शामिल दलाल संबल योजना, मृत्यु सहायता, विवाह सहायता, श्रम कार्ड आदि योजनाओं में पैनी नज़र रखते हैं। सूत्रों से जानकारी के अनुसार दलाल मृत्यु सहायता में हितग्राहियों से 40,000 से लेकर 50,000, वहीं विवाह सहायता में 10,000 रुपये से 20,000 रुपये, श्रम कार्ड बनवाने में 1500 रुपये से 2000 रुपये लेते हैं। जनपद सीईओ विनोद पांडे ने कहा कि अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। टीम का गठन कर मामले की जांच कराई जाएगी। हितग्राही मूलक योजनाओं में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कटनी मध्य प्रदेश से रमेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सर, ढीमरखेड़ा जनपद में सूत्रों से जानकारी मिली कि दलाल बहुत सक्रिय हैं और गरीब जनता को बहुत लूट रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? किस विषय में और किस योजना में आपको इस तरह की आपको शिकायत प्राप्त हुई है? सर, ये संबल योजना है, शादी विवाह में है, भवन निर्माण कार्ड बनवाने में। देखिए, अभी जनपद में तो इस आशा की कोई शिकायत लेके आया नहीं जी। हम लोगों ने इसके लिए एक बार सभी हितग्राहियों की यहाँ बैठक भी बुलाई थी और उस संबंध में भी चर्चा की गई थी और ऐसे बताया गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पैसे की मांग करता है तो तत्काल यहां सूचना दें उसकी। उस बार भी किसी हितग्राही ने ऐसा नहीं कहा, हो सकता वो दबाव में रहे हो। हम इसके लिए फिर से एक नया अभियान चलाने जा रहे हैं। अभी पिछले एक साल के जितने भी प्रकरण हैं उन प्रकरणों की जानकारी हम एक टीम बना के 20-25 टीम बना के पंचायतों में भेज रहे हैं और एक एक प्रकरण की और एक एक व्यक्ति से बात करके उसकी जानकारी ली जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के कार्यकर्ता पाया जाएगा, यदि कोई दलाल इसमें सक्रिय होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा और शासकीय राशि के दुरुपयोग के संबंध में जो मामले बनते हैं वो बनाए जाएंगे। सर, इसमें अपने जो अधिकारी साबित होती है तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें यदि कोई भी गलती करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।